दोस्तों सबसे पहले सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल दबाएं और सबसे पहले वाली ऑप्शन ऑल करें जिससे हमारी आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको फौरन मिल। जय श्री राम भक्तों। दोस्तों, ये कथा स्कंद पुराण से ली गई है। बहुत ही मनोरम कथा है, सुनकर लाइक जरूर करें। आज कथा है रानियों का धोखा और मगरमच्छ का हमला। आइए कथा श्रवण करें। पौराणिक काल में एक राज्य था दर्शाड़। यह आजकल के मध्य प्रदेश में उत्तर पूर्व में स्थित था। यहाँ वज्रबाहु नाम का राजा राज करता था, जो अपने कई पत्नियों में रानी सुमति को सबसे ज्यादा प्यार करता था। इससे सभी रानियां जलती भी थीं। सुमति गर्भवती थी, सौतनों ने उसे जहर दे दिया। जहर से सुमति मरी नहीं, ना ही गर्भ में पल रहा बच्चा मरा। हाँ, इसका असर यह हुआ कि पहले तो सुमति की देह पर भयानक फोड़े निकल आए, फिर जो बालक पैदा हुआ उसका शरीर भी फफोलों और घावों से भरा था। बहुत इलाज कराया गया पर माँ बेटे पर कोई असर ना हुआ। रानियों ने राजा के कान भर दिए कि यह एक संक्रामक बीमारी बन सकती है और इससे प्रजा का अहित होगा। इससे पहले कि बात खुले, राजा ने सुमति को बच्चे के साथ जंगल में छुड़वा दिया। रानी सुमति अपने बेटे को लेकर किसी तरह जंगल से बाहर निकली तो उसे एक औरत मिली जो पास के ही शहर के महाजन की दासी थी। वह उसे वहां से ले गई। नगर रक्षक पद्माकर ने वैद्य बुलवाकर इलाज करवाया पर कोई लाभ ना हुआ। सुमति की हालत खराब थी, उसका नवजात बेटा यह रोग ना झेल सका और चल बसा। यह देख सुमति बेहोश हो गई। होश आया तो वह रोते रोते भगवान शिव से प्रार्थना करने लगी कि अब आपके सिवा मेरा कोई नहीं है। साथ ही वह महामृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगी। महादेव ने उसके पुकार सुन ली। एक नामी शिव योगी ऋषभ वहां प्रकट हो गए और सुमति से बोले, बेटी तुम इतना विलाप क्यों कर रही हो? काल से कौन बच सका है? यह शरीर तो एक बुलबुला है जो फिर महासमुद्र के पानी में मिल गया। अपना जीवन देखो। सुमति बोली, भगवन जिसका इकलौता बेटा मर गया हो, जिसका कोई घरबार रिश्तेदार ना हो, जो ना ठीक होने वाले रोग से पीड़ित हो, उस अभागिन के लिए मौत से बेहतर क्या है? इसलिए मैं बेटे के साथ ही मरना चाहती हूं। शिव कृपा से आपके दर्शन हो गए, यही इस जीवन का सुफल मानूंगी। वह शिव योगी रानी सुमति के उत्तर से बहुत खुश हुए और बोले, देवी तुम महामृत्युंजय मंत्र का जाप आरंभ करो। शिव योगी ने खुद भस्म लेकर उस पर मंत्र पढ़ा और थोड़ा सा मरे हुए बालक के मुंह में डाला और बाकी उसके और सुमति के शरीर पर। बालक जीवित हो उठा। बालक और सुमति के सारे फोड़े घाव दूर हो गए, देह चमकने लगी। शिव योगी ने कहा, बेटी तुम जीवन भर ऐसे ही युवा रहोगी। अपने बेटे का नाम भद्र आयु रखो। यह बड़ा होकर नामी विद्वान बनेगा, वीर भी होगा और अपना खोया राज भी वापस पा लेगा। मन को महादेव के ध्यान में लगाओ। सुमति और भद्र आयु दोनों शिव अर्चना और मृत्युंजय मंत्र का जाप करने लगे। 16 साल बीत गए। अब भद्रायु पढ़ लिखकर एक सुंदर युवक बनने की ओर था। तभी शिव योगी ऋषभ एक बार फिर वहां आए। भद्रायु उनके चरणों में लेट गया। उन्होंने भद्रायु को ना केवल आशीर्वाद बल्कि तरह तरह की शिक्षाएं भी दी। शिव योगी ऋषभ ने कहा, भद्रायु जल्द ही तुम अपना राज्य वापस हासिल करोगे जिस पर तुम्हारा अधिकार है। उन्होंने भद्रायु को एक शंख तथा एक खड़ग दिया। दोनों ही दिव्य थे, जिन्हें सुन और देखकर वैरी भाग जाते। फिर मंत्र पढ़कर भद्रायु के शरीर में भस्म लगाई, जिससे उनमें 12,000 हाथियों का बल आ गया। शिव योगी ऋषभ के जाने के बाद पता चला कि उनकी सारी रानियों का अपहरण कर लिया और उन्हें कैद। समाचार सुनकर क्रोधित भद्रायु शेर की तरह गरजा।
हालांकि यह उनको अपनी निर्दोष पत्नी और अबोध बालक को व्यर्थ कष्ट पहुंचाने की ही सजा थी। भद्रायु ने अपने पिता के शत्रुओं पर आक्रमण कर उन्हें मार डाला और पिता को छुड़ा लिया। उनको उनका राज्य वापस मिल गया। इस कारनामे से भद्रायु का यश चारों ओर फैल गया। वज्रबाहु अपने बेटे से मिलकर खुश और पत्नी सुमति से मिलकर बहुत लज्जित हुआ। निषादराज चित्रांगद और सीमंती ने अपने कन्या कीर्ति मालिनी का विवाह भद्रायु के साथ कर दिया। वज्रबाहु ने वीर विद्वान शिव भक्त बेटे के लिए राजगद्दी खाली कर दी। भद्रायु ने हजारों साल राज करते हुए शिव पूजन और महामृत्युंजय का जाप जारी रखा और अंत में शिव स्वरूप होकर शिवलोक को गए। दोस्तों, आपको यह कथा कैसी लगी? अपने विचार और सुझाव कमेंट में जरूर दें। हमारी कथाओं को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, हमारी कथाओं को शेयर जरूर करें। दोस्तों, हमारी एनिमेशन वीडियोस को भी देखें जिनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, और विचार कमेंट में जरूर बताएं। जय श्री राम भक्तों।